नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द डिसीजन बुक के डबल लूप लर्निंग मॉडल के बारे में। यह मॉडल एक टेक्निक की तरह काम करता है जिससे हम अपने काम को डीपली समझकर उससे सीखे। इस प्रिंसिपल को सिस्टम थियोरिटिशियन हैंस वॉन फॉस्टर और निकोलस लुहमन ने डेवलप किया है। इसको समझने के लिए पहले दो टाइप के ऑब्जर्वेशन के बारे में हम जानते हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जर्वेशन और दूसरा है सेकंड ऑर्डर ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट ऑर्डर के ऑब्जर्वर चीजों को जैसी दिखती है वो वैसा ही उसे देखते हैं। उनके लिए वर्ल्ड वैसा ही है जैसा वो दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल के रेफरी को गेम के टाइम में जो दिखाई देता है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। एंड जो सेकंड ऑर्डर ऑब्जर्वर वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जर्वर चीजों को कैसे देखते हैं और वो उनके इस कंक्लूजन का भी कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप फुटबॉल के रेफरी के डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप सेकंड ऑर्डर ऑब्जर्वर होते हैं। आपका एटीट्यूड अलग होता है क्योंकि आप गेम से हटकर देखते हैं और आपको लगता है आप बेहतर जजमेंट देंगे। फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जर्वर अपने एनालिसिस के तरीके से अनजान होते हैं, ये एक ब्लाइंड प्लेस होता है। सेकंड ऑर्डर ऑब्जर्वर इस ब्लाइंड प्लेस को पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि अलग तरह से देखने पर चीजें अलग दिखाई दे सकती है। साइकोलॉजिस्ट क्रिस अर्गिस और फिलोसोफर डोनाल्ड शोन ने इस प्रिंसिपल से डबल लूप लर्निंग मॉडल डेवलप किया। इससे आप ना सिर्फ कुछ अलग करने की ट्राई करते हैं बल्कि यह भी सोचते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आप जो भी करते हैं वो आप ऐसा क्यों करते हैं। आप अपने एक्शन के पीछे के पर्पस और वैल्यूज को पहचानने का ट्राई करते हैं। इससे आप ये देखते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे कैसे और क्यों कर रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि क्या इसे चेंज करने की जरूरत है। रियल चेंज तो तब होते हैं जब आप अपने डीप रीजन, पर्पस और वैल्यूज का री इवैल्यूएशन करते हैं। इस टेक्निक से आप अपने बिहेवियर और थॉट में चेंज ला सकते हैं, इसलिए अपनी लाइफ में वही चेंज लाए जो आप रियल वर्ल्ड में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस मॉडल को आप अपनी लाइफ में एक बार जरूर अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपको कोई रिजल्ट मिलता है कि नहीं, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिला। हमने ये मेंटल मॉडल द डिसीजन बुक में से सीखा है। हम इस बुक के सभी मेंटल मॉडल्स पर पूरी एक सीरीज बना रहे हैं, तो ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मेंटल मॉडल सीखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। हम ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज़ ऑलवेज़ कीप लर्निंग। हमेशा सीखते रहे, खुद को बेहतर बनाते रहे। थैंक यू सो मच।